जिस तरह में हरियाणा में जो बारिश की शुरुआत हुई है, और मैं मानता हूँ जीटी रोड पूरी बारिश में फरीदाबाद से लेकर पंचकुला तक बारिश हुई है, और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और जिस तरह से जल भराव हमारे पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तक जो पानी का जो जल भराव हुआ है, इस तरह किसान को भी हानि हुई है और कहीं लाभ भी हुआ। सारे रास्ते बंद हैं, पहाड़ी क्षेत्र के आवागमन बंद है, चंडीगढ़ का रास्ता भी कुछ समय के लिए आवागमन बंद हुआ है। तो इस तरह की परेशानियां लोगों को बारिश में हुई हैं, पर आने वाले समय में ये सारे रास्ते ठीक होंगे। जैसे यमुना अपने पूरे जल के अपने यौवन पे है, तो मानता हूँ कि आने वाले इसकी जुलाई में शुरुआत होगी, जबकि ये लास्ट में हुआ करता था। लगातार बैठकें भी की जाती है सर, मॉनसून आने से पहले सरकार की तरफ से अपने स्तर पर, जिसमें कई विभाग शामिल होते हैं। उसके बाद जब अब बारिश हुई है, अभी मॉनसून की शुरुआत है, जो इंतजाम आते हैं वो ना काफी नजर आने लगते हैं, जिस तरीके से चल रहा है। मैं मानता हूँ मीटिंगों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा, और जो अधिकारी हैं को मना थोड़ी करा किसी को, भाई मानसून पे आएंगे तभी काम करेंगे, जुलाई में कर लीजिए, मई में कर लीजिए, भाई को काम कर लेंगे तो सब लाभ है, काम करना ही, मीटिंग तो अलग है, मीटिंग तो एक प्रक्रिया है, काम तो करना पड़ेगा ना भाई, काम है, नाले हैं, चलो ये तो पानी बहुत बारिश हुई है, इस तरह का रोक नहीं है, सफाई से कुछ नहीं हो सकता। जहाँ जल भराव शहर में होता है या ग्रामीण आंचल में होता, पहाड़ी क्षेत्र के अलावा, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, समय से पहले होनी चाहिए, और एक महीना पहले जून तक साफ हो जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में ये नाले साफ सफाई, पानी की निकासी, ये सब दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, सब निर्णय लेने में सरकार सक्षम है, चाहे गठबंधन की हो, बीजेपी या जेजेपी की हो, और पहले भी सरकार ने हमेशा लिए हैं, जब प्रभु के सामने कोई नहीं मिल सकता। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वो भी निर्णय नहीं ले पाते, अगर ये राम आता इस तरह का बारिश आती तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा क्या कर लेते, इसमें कोई मंत्र है उन पर, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर मंत्र से कर दे, रोक देगा इस सारे को। प्रकृति की माया है, प्रकृति की मार है, पानी है, जब सारे सड़क सब सारे रोड फ्लाईओवर और पहाड़ सब कर दिए, इसमें क्या करें। और मेरा तो है कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपने काम को करें, अपनी पार्टी देखें, पार्टी के अलग अलग मंच चल रहे हैं, उन पार्टी देखें, ये काम तो सरकार का है, बीजेपी जेजेपी कर लेगी इस काम को। तो नहीं, परिवहन नीति हम चाहते हैं कि हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, शहर, गांव, कोई आदमी परेशान न हो। और नई बसें हम किलोमीटर स्कीम बस हैं, हम अपनी बस चलाएंगे जो बस आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जिसका लाभ मिले, और हम चाहते हैं हरियाणा रोडवेज की बस हर गांव तक जाए, चाहे हमें और हजार बस लेनी पड़े, हम चाहते हैं किलोमीटर स्कीम से भी रोडवेज की बसें सस्ती पड़ती हैं। नहीं, 125 बस आ चुकी हैं, और भी बस, हमारी मिनी बस भी आ चुकी हैं, और जल्दी हम उनको डिवाइड करेंगे। उससे फैसला ले रहे हैं हम, भाई उनको अपने में मर्ज करना है, मर्जन करना है, अपने पास उन करना है, तो इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई उनको अपने उसमें सरकारी से मर्ज करके उनको रखा जाए।